इस पर हमने अभी बात की कि लिविंग थिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ सेल्स, जितने भी जीवित कोशिकाएं, जीवित थिंग्स ये ऑर्गेनिज्म होंगे, सबके सब जो है सेल से मिलकर बने हुआ होगा। लिविंग थिंग्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में अभी बताया भी था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होंगे। ये मैं बात कर दी इसलिए मैं पीपीटी थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ। और हमने कहा था कि व्हाट इज सेल, सेल मीन्स सेल स्ट्रक्चर इज डाइवर्स बट ऑल सेल्स शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। इस पर हम बात कर, ये मैं शेयर करूँ। सेल थ्योरी आपको बताया भी था कि व्हाट इज सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये क्या है, एक कोशिका से मिलकर बने हुए होंगे या बहुत सारी सेल्स के मिलने से बने हुए होंगे। और मैंने कहा भी था व्हाट इज सेल्स, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये अभी हम कोशिका की जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि कोशिका क्या है, आधारभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ऑल सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो केवल दूसरे सेल से ही मिलकर बनी हुई हो, दूसरे सेल से ही स्टार्ट होंगी। ये एक स्ट्रक्चर था, ये मैं आपको आपको विजिबल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, फिर से दिखा रहा हूँ। ये एक स्मॉल सेल्स है, इसमें भी हम बात करेंगे आगे। सेल्स आर स्मॉल, सेल्स क्या हैं, बहुत छोटी हैं, सो दे कैन एक्सचेंज मेटेरियल्स, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, विद देयर सराउंडिंग्स। और सेल्स काफी छोटी हैं और वो आसानी से क्या करती हैं, अपने से सराउंडिंग से, अपने बाहरी जो वातावरण है उससे एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकती है। ये भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बात करेंगे। साइज ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर के आधार पे बताया है। आप देख रहे हैं कि ये साइज तो 0.1 नैनोमीटर भी हैं, ये एटम्स हैं, फिर अमीनो एसिड हैं, प्रोटीन्स हैं, वायरसेस हैं। तो हम जो सेल्स पढ़ेंगे वो सेल्स आपके जो है 1 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होंगी। और आप ये सेल्स यूनिसेलर है और बहुत सारे मिलकर के सेल्स जो हैं आप देख रहे होंगे 10 मीटर से ऊपर की भी आपको ब्लू वेल्स है। तो ऑर्गेनिज्म अभी आपको बताया था कि एक कोशिकीय भी हैं और बहुत सारे कोशिका मिलने से बहुकोशिकीय प्राणी भी आपको इस संसार में दिखाई देंगे। मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेल को बांट रहे हैं कि सेल 2 टाइप्स की होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक, यू मींस जिसमें क्या है, उसका जो न्यूक्लियस है वो ढका हुआ होगा, अभी हम एनवेलप से मिला हुआ होगा, स्ट्रक्चर आगे देखेंगे तो इसमें लिखा भी है यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए न्यूक्लियस दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द सेल्स। ऑल सेल्स आर सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पर भी बात करेंगे, मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आप ही देख रहे हैं प्रोटीन्स लेयर ही एक प्रकार के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये भी हम इस पर डिस्कस बाद में करेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम बात करेंगे। अब ये केवल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर का कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, रेगुलेट करती है व्हाट इंटर्स, किसको आना है सेल के अंदर, एंड एग्जिस्ट द सेल, किसको सेल से बाहर जाना है, वो उसके स्ट्रक्चर और उसके जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अभी हम बाद में बात करेंगे। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी सेल्स और आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, गॉल्गी बॉडी पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो वे सारे के सारे के हैं साइटोप्लाज्म मिलेंगे और ये क्या होंगे, इनसे ढके हुए होंगे। प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल, या आप पढ़े भी होंगे कि प्लांट सेल में क्या होगा, एक कोशिका भित्ति जिसे हम बोलते हैं वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल वॉल से लगी हुई होगी। और एनिमल सेल्स में आप देखेंगे जो उसके अंदर के स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनेल्स हम उसे बोल रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर हम अभी बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर है, अभी हम दिखा आपको बात भी कर रहा था कि ये एनिमल सेल्स है और एनिमल सेल्स में आपको बताया था कि इसमें सेल वॉल नहीं होगी, डायरेक्टली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, गॉल्गी एपरेटस है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, पॉलीराइबोसोम्स, एक्टिन फिलामेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, या आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में, माइटोकॉन्ड्रिया, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, द पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम, या आप देख रहे हैं ये सुसाइड बैग भी आप कहलाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर है इसका सेल के, एनिमल सेल का, या आप देख रहे हैं। प्लांट सेल को हम देखें तो प्लांट सेल में आप देखेंगे कि जो इसकी मैंने कहा था कि प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, इसके बाहर क्या होगा, एक कोशिका भित्ति होगी, उसके बाद इसमें ये कोशिका भित्ति लगी हुई है, इसमें सेल वॉल हम इसे बोल भी रहे हैं आप देख रहे होंगे, और उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट क्या हो जा रहा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद स्टार्ट हो जा रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कवरिंग लेयर है, सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन है,
इस पे हमें अभी बात करेंगे आगे स्पेशली। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड पूरा भरा होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। साइटोप्लाज्म में आपके क्या है, जो ऑर्गेनेल्स हैं इसके, गॉल्गी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्टिन फिलामेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रियल वैक्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सारे के सारे आपके प्लांट सेल के एनाटॉमी में आएंगे। ये स्ट्रक्चर मैंने अभी बात की थी कि आपको क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस का कि व्हाट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जब हम बोलते हैं तो न्यूक्लियस में आपका ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन जहां पर भी आप क्रोमेटीन सुनेंगे तो वो डीएनए और उसके प्रोटीन से संबंधित होगा। न्यूक्लियोल्स होगा तो क्रोमेटीन एंड राइबोसोम सब यूनिट की बात होगी। न्यूक्लियर एनवेलप होगा तो एनवेलप ने ढका हुआ तो ये डबल मेम्ब्रेन से ढका होगा विद पोर्स होंगे, इसमें छिद्र होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म आपका सेमी सॉलिड मीडियम वाला होगा इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर से लगा हुआ। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस से, प्लाज्म मीन्स उसके बाहर की जो कवरिंग है या लिक्विड है। ये आपका स्ट्रक्चर आपको बुक में दिया भी गया होगा। ये हम इसे आमतौर पे केंद्रिका बोल रहे हैं, पूरा केंद्रक बोलते हैं। उसके आधार पर आप देखेंगे कि सारा ये आप ये अभी मैंने बताया था आपको न्यूक्लियर एनवेलप है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, इस पर मैं अभी बात करूंगी। राइबोसोम, राइबोसोम जो है जनरली हम इसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लिखा भी है इसमें, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स एट टिनी ऑर्गेनेल्स कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ये हम अभी बात करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा 80S, 70S है ना, तो ये भी हम बात करेंगे इस पे कि क्या है राइबोसोम में। राइबोसोम कैन बी फाउंड अलोन इन द साइटोप्लाज्म, ये अकेले भी मिल सकता है आपको साइटोप्लाज्म में, कहीं इधर उधर अकेले उसमें भी हो सकता है या ग्रुप में भी होगा। अगर ये राइबोसोम्स ग्रुप में होगा तो इसे हम पॉली राइबोसोम्स हम बोलते हैं। आप सुना भी होगा पॉली मीन्स बहुत सारा है ना, तो पॉली राइबोसोम हम बोलेंगे जब ये ग्रुप में होगा। और अगर एक सिंगल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा तो आपको राइबोसोम कहलाएगा। और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या हो सकता है, या आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ भी आपको मिल सकता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये आपको कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपको इन टॉपिकों पे बात करनी पड़ेगी। न्यूक्लियर एनवेलप पे ये मैंने अभी बताया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको बताया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पर भी हम बात करेंगे, गॉल्गी अपरेटस इस पर भी हम बात करेंगे व्हाट इज गॉल्गी अपरेटस, क्योंकि गॉल्गी ने इसे डिस्कवर किया था, कैमिलो गॉल्गी ने, इसलिए उसी के नाम पर हम इसे कैमिलो ये गॉल्गी अपरेटस बोलते हैं। वेसिकल्स मैंने आपको स्ट्रक्चर के आधार पर आपको बताया था कि व्हाट इज वेसिकल्स, तो मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ कि किसमें हमने क्या बोलना है। अब आते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल्स एंड सेकुलस। आप देखेंगे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम दो दो भागों में बांट सकते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आपको मैंने इससे पहले राइबोसोम की बात बताई थी कि राइबोसोम सेपरेटली भी हो सकता है अकेला, या ग्रुप में होगा तो पॉलीराइबोसोम हम बोलेंगे, और अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको दो भागों में बांट दे रहे हैं। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दे रहे हैं और एक हम बोल रहे हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखेंगे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर राइबोसोम्स जो है ग्रेन्यूल्स या कणिकावध अगर स्ट्रक्चर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगा, अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको, तो उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और कहीं पर आप देखेंगे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें विदाउट ग्रेन्यूल्स हम स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि वहां क्या है आपका राइबोसोम्स एब्सेंट। तो क्या है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर आपको बताया ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये करता क्या है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टडेड विद राइबोसोम्स एंड द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। तो जहां पर भी आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, रफ मीन्स जो राइबोसोम्स है वो पाए जा रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्रेन्यूल्स साइज के, तो वो क्या कहलाएगा आपका रफ इंडोप्लाज्मिक, और कि काम क्या करेगा प्रोटीन सिंथेसिस का है ना, प्रोटीन को बनाने का काम करेगा। और स्मूथ मीन हो गया लेक्स ऑफ राइबोसोम, ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें आपको जो है राइबोसोम्स एब्सेंट हैं
एंड इज द साइट ऑफ सिंथेसिस, और इस साइट में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स इनटू वेसिकल्स अमंग देयर अदर फंक्शन। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर से कि रफ, अभी हम इस आगे भी दिखाएंगे स्ट्रक्चर वाइज। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस हो गया कि ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें क्या हो रहे हैं, राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं और ग्रेन्यूल साइज के पाए जा रहे हैं, कणिकावद आपको डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम कर रहे हैं, ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का और प्रोसेसिंग का, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। और जो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा है जो स्मूथ है, उसमें डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स के वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये काम क्या करेगा, ये करेगा फॉस्फोलिपिड को साइज करने का काम, संश्लेषण फॉस्फोलिपिड्स बनाने का काम करेगा, प्रोटीन को पैकेजिंग का काम करेगा, किसमें, वेसिकल्स में और अदर इसके फंक्शन है, इस पे हम बात करेंगे। ये मैं बात कर रहा था, देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम स्ट्रक्चर है उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है उस हमने क्या बोला, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये काम क्या कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब अब्सेंट ऑफ राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम नहीं है, तो इसे हम बोल रहे हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या काम कर रहा था, फॉस्फोलिपिड्स वाला सिंथेसाइज का काम कर रहा था, ठीक है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। गोल्गी एपरेटस, मैंने आपको कहा कि इसे डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, तो इसे हम गोल्गी एपरेटस बोल रहे हैं। द गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए स्टैक ऑफ कर्व सेकुलस। The Golgi apparatus receive proteins and also lipid filled vesicles from the endoplasmic reticulum, packages, processes and distributed them within the cell. The organelle may also be involved in secretion. एक आमतौर पे जो आप पढ़ रहे होंगे Golgi apparatus, उसका काम ही क्या है, नेचर क्या है, सीक्रेशन का नेचर है, ठीक है। और आप पढ़ेंगे इसी में जो आपका लाइसोसोम वाली बॉडी भी मिलेगी, हाँ, जिसे आप सुसाइड बैग भी बोल रहे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें, वो सेल के नेचर पे है कि कब उसे खत्म करना है। ये आपको दिखा भी रहे हैं ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर लाइसोसोम, और ये आपके कैमिलो, ये पूरा गोल्गी एपरेटस है पूरा का पूरा। इस गोल्गी एपरेटस में आपके मैंने बताया भी था ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, इसका मेन काम क्या है, सीक्रेशन का काम है, इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। लाइसोसोम को मैंने अभी बताया भी था, लाइसोसोम आर वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्गी एपरेटस, ठीक है। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये भी हमने बात की थी, इसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण क्या होता है, ये अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई, फट गई, तो सेल क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी, सेल डेथ हो जाती है, तो इसलिए ही हम जब क्या कहते हैं, इसे सुसाइड बैग भी बोलते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। एंड आर इन्वॉल्व इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, जब भी हम बात करते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की, वैक्यूल्स जैसा जो लार्ज स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वैक्यूल्स है, वेसिकल्स में जो आपको स्मॉल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, आर मेम्ब्रेनस sac in the cell that store substance. Peroxisome पे आप भी मैंने बात की थी, peroxisome are vesicles that contain enzyme. Peroxisome हम किसे कह रहे हैं, जिसमें क्या ऐसे vesicles हैं जो कि क्या है, एंजाइम से होंगे, एंजाइम से मिलकर उसमें एंजाइम्स होगा। The enzymes in these organelles use of oxygen and produce hydrogen peroxide H2O2. Peroxisome are abundant in the liver where they produce bile salts and cholesterol and break down fats. Peroxisome अधिकतर कहाँ मिल रहे हैं, आपके लीवर वाले साइट में मिल रहे हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं bile salt को, cholesterol को, ताकि वो क्या करें, आपका फैट को क्या कर सकें, डिजॉल्व कर सकें। Energy related organelles. Two types of energy related found in cells. लिखा भी इसमें, the two energy related organelles of eukaryotic. अभी हम सारी जो बात करें eukaryotic cells की बात करें, ठीक है, are chloroplast. Chloroplast वाला क्या बताया था मैंने आपको, plant cell में, and mitochondria, animal cell वाली. Both organelles house energy in the form of ATP. दोनों का काम क्या है, ATP को प्रोड्यूस करना है. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिल लिया आपको, एनिमल सेल में. क्लोरोप्लास्ट आप हरित लवक आप इससे बोले हैं, ये कहाँ मिलेगा आपको, लीफ में, प्लांट सेल में.
क्लोरोप्लास्ट में आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, एक क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग ए फ्लूइड फील्ड स्ट्रोमा, ग्रेनाइन स्ट्रोमा आपने सुना होगा, एंड कंटेन एंजाइम्स। मेम्ब्रेन इनसाइड द स्ट्रोमा आर ऑर्गेनाइज इनटू थाइलोकाइट्स दैट हाउस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था हरित लवक। क्लोरोफिल्स आपने सुना भी होगा, प्लांट ये फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड इन द स्ट्रोमा। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये थाइलोकॉइड्स सिक्के के रूप में आपको दिख रहे हैं, ग्रेना आपको दिख रहा है ना। अब आते हैं थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाई ए डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग फ्लूइड फील्ड मैट्रिक्स। आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें आप देखेंगे द इनर मेम्ब्रेन, अभी स्ट्रक्चर के आधार पर भी बताऊंगा, द इनर जो उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे हम क्रिस्टी बोल रहे हैं। उसमें आप देखेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, F1 हम पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ऑक्सीसोम भी हम बोलते हैं। द मैट्रिक्स जो लिक्विड वाला है, मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, जो उसके अंदर का मैट्रिक्स है वो आप जो है उसमें आप देखेंगे कि उसमें एंजाइम्स होंगे और वो क्या करेगा कार्बोहाइड्रेट को टूटे तोड़ेगा। आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप देखते हैं कि वो जो ग्लाइकोलिसिस और ये क्रैब साइकिल वाली जो कंडीशन है सब यही है। एंड द क्रिस्टी हाउस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट प्रोड्यूस ATP, और ये जो कार्बोहाइड्रेट इसको तो, जो ये टूटेगा जब आपके इसमें मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें ATP में, जिसे हम क्वाइंस ऑफ एनर्जी भी आप बोलते हैं ATP को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा है और जनरली हम इस टाइप से आप स्ट्रक्चर आप देखते हैं। लिपिड्स ये लिक्विड्स आप दिख रहे हैं जो एंजाइमेटिक है उसे हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और जो फिंगर लाइक फोल्डेड है उसे हम क्रिस्टी बोल रहे हैं, F1 पार्टिकल्स हम बोल रहे हैं। बाहर की ओर आप देख रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन सिस्टम है और अंदर की ओर आप देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आपको बताया भी था कि इसे हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल्स भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है ATP का निर्माण कर रहा है, कहाँ मैट्रिक्स में। ठीक है, साइटो स्केलेटन, साइटो मीन्स हो गया सेल का स्केलेटन मैंने कंकाल एक प्रकार से, अगर ये नहीं होगा तो कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा उसको, सेल्स को, जो आपके सेल का स्ट्रक्चर है वो साइटो स्केलेटल के आधार पे आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। व्हाट इज साइटो स्केलेटल, द यूकैरियोटिक साइटो स्केलेटल इज ए नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एंड ट्यूबुल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा कहाँ होगा, एक प्रकार से स्ट्रक्चर को बनाने में सहायता प्रदान करता है साइटो स्केलेटल। द साइटो स्केलेटल कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल शेप, बताया था मैंने आपको सेल के शेप के लिए भी चाहिए, मूवमेंट विद इन द सेल एंड मूवमेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो मूवमेंट होनी है एक सेल के अंदर, और एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो मूवमेंट होनी है उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्टिन फिलामेंट आपने सुना होगा, माइक्रोट्यूबुल्स में आपने देखा होगा, मसल्स में भी आप मिलेगा ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिलामेंट तंतुनुमा आकार आप तारनुमा आकार आपको मिलेगा। व्हाट इज एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट अकर इन बंडल्स और मेश लाइक नेटवर्क। एक्टिन फिलामेंट्स प्ले ए स्ट्रक्चरल रोल इन इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई एंड आल्सो इंटरेक्ट विद मोटर मॉलिक्यूल्स सच एज मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन आपने मसल्स में पढ़ा होगा है ना, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको एक हाईलाइट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, और इनमें क्या है ATP के कारण ही जो है ये डार्क और लाइट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। माइक्रोट्यूबल्स आर स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल मेड ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन ट्यूबुलिन। जो माइक्रोट्यूबल्स हैं वो आपको खाली तंतुनुमा आकार मिलेगा, बेलनाकार आपको आकार दिखाई देगा है ना, और इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसे हम ट्यूबुलिन हम बोल रहे हैं। माइक्रोट्यूबुल्स असेंबली इज कंट्रोल्ड बाय माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइज सेंटर कॉल्ड सेंट्रोसोम। आपने सुना अभी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था सेंट्रोसोम का। माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड एक्ट्स एट ट्रैक अलोंग विच ऑर्गेनेल्स कैन मूव। माइक्रोट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर है या आप फिजियोलॉजी में भी देखेंगे।
इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट मध्यावस्था इधर भी और मिक्स अप करके, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर रिपी लाइक रोपी लाइक सॉरी असेंबलाइज ऑफ फाइबर्स पॉलीपेप्टाइड्स दैट सपोर्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट ये आपको मैं केवल हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा हमने डीपली नहीं जाना है, ये आपके एमएससी लेवल कभी जब हम पढ़ेंगे इसे तो वहाँ पर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको फिजियोलॉजिकल वर्क में मिलेगा। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल पे हम बात करेंगे, तो आपने देखा भी होगा स्ट्रक्चर में, सेंट्रियोल आर शॉर्ट सिलेंडर्स विद ए 9+0 पैटर्न्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स ट्रिपलेट्स, ए 9+9 आपने लाइन टाइप की स्ट्रक्चर आप देखेंगे, प्लस जीरो स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा मैं आपको आगे। सेंट्रियोल्स में भी इन्वॉल्व इन माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्मेशन एंड डिसेंबली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आपको बताया था कि सेल डिवीजन में हेल्पफुल होगा सेंट्रियोल्स, एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, आपने देखा भी होगा कि जो सीलिया होगा वो आपने देखा होंगे बहुत सारे होते हैं, जैसे पैरामीशियम में आपने देखा होगा मूवमेंट के लिए, और फ्लैजिला आपने क्लेमाइडोमोनास में भी देखा होगा, है ना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सेंट्रोल्स पे ही डिपेंड है। सेंट्रोल्स स्ट्रक्चर है आपको बताया हुआ था, होलो लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई भी दे रहे हैं पूरा, है ना, ट्यूबुल्स टाइप के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला तो आपको बताया भी था, सीलिया स्मॉल एंड न्यूमरस छोटा है और संख्या में ज्यादा होगा बहुत सारा, एंड फ्लैजिला लार्ज एंड सिंगल एक स्ट्रक्चर वाला आपको मिलेगा, हैव 9+2 पैटर्न माइक्रोट्यूबुल्स एंड आर इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट। सीलिया एंड फ्लैज ये कई बार डिफरेंस पूछ रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, है ना, तो सीलिया क्या है आकार में छोटा होगा और काफी अधिक मात्रा में पाया जाएगा, और फ्लैजिला क्या है लार्ज शेप में होगा और अधिकतर ये सिंगल वे में ही मिलेगा। एंड सीलिया एंड फ्लैजिला मूव व्हेन द माइक्रोट्यूबुल्स डबल स्लाइड पास्ट वन अनदर, ये मूवमेंट के लिए आपको बताया हुआ था, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, सॉरी ये सॉल एंड जेल थ्योरी पैरामीशियम के मूवमेंट के लिए। ईच सीलियम एंड फ्लैजिलम हैज ए बेसल बॉडी एंड इट्स बेस स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सीलिया एंड फ्लैजिला का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर, अभी हम इस पे बात करनी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना, तो आपको अभी हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे थे, सेल्स बताया था, हम सेल पे ही डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट इज सेल्स आपको बताया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जो लाइफ है या जीवन का जो कोशिका, ये जो जीवन का जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है उसे हम कोशिका कह रहे हैं। ये कोशिका जो है न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हम इसे दो भागों में बांट रहे थे, एक यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे थे, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे थे। अब प्रो मीन्स हो गए प्रिमिटिव, अभी प्रिमिटिव कौन है, ये आपके बैक्टीरिया भी हैं और आर्किया भी हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स हैव दीज कॉन्स्टेंट फीचर्स, बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा आउटर बाउंड्री होगी, उसमें सेल वाल आपको मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगा, साइटोप्लाज्म आपका होगा, थाइलोकॉइड्स होगा, साइनोबैक्टीरिया में आप थाइलोकॉइड्स पढ़ेंगे, इन्यूमेरेबल एंजाइम्स आपको मिलेंगे, न्यूक्लियोइड आपको मिलेगा, क्रोमोसोम डीएनए ओनली, है ना, उसमें क्रोमोसोम में आपको डीएनए मिलेगा। और बैक्टीरियल सेल्स मे हैव प्लाज्मिड्स स्मॉल एसेसरी रिंग ऑफ डीएनए, अभी आप बात कर रहे थे डीएनए की, तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा कई सारे प्लाज्मिड्स हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे। सम बैक्टीरिया हैव ए कैप्सूल और ए स्लिम लेयर, आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं एक, और पतले लेयर वाले पतले आकार वाले भी आपको मिलेंगे। मोस्ट बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला, अधिकतर जो आपके पास जिसे हम जीवाणु हिंदी में बोलेंगे उसमें आप देखेंगे उसमें क्या होगा फ्लैजिला होगा। मूवमेंट के लिए अभी हम बात कर रहे थे सीलिया एंड फ्लैजिला की। सम ऑल्सो हैव फिम्ब्री दैट हेल्प सेल्स अटैच टू द सर्फेस, और ये फिम्ब्री क्या करता है, ये क्या करता है किसी भी सेल से जुड़ने के लिए, उसके सरफेस से जुड़ने के लिए ये हेल्पफुल उसको सहायता प्रदान करता है। बैक्टीरिया हैव ए ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, उनका बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक उपापचय की जो विविधता है इसकी कई सारी है, इस पर बाद में बात करेंगे। ये इवोल्यूशन था यूकैरियोटिक सेल्स का, कई हाइपोथेसिस में चल रही है कि कहाँ से यूकैरियोटिक सेल्स हुआ, तो ये माना गया कि जितने भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो कहाँ से हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रोकैरियोट, उनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो किससे मिलता जुलता है, सहजीवी संबंध वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल से मिलता जुलता है। जैसे आपने हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बिकम माइटोकॉन्ड्रिया, साइनोबैक्टीरिया बिकम क्लोरोप्लास्ट, ये बता भी रहा उसमें सिम्बायोटिक, होस्ट सेल वाज ए लार्ज यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्ट्रक्चर, फिर ये आपको बता भी रखा है मैंने, अब मेन पर बात करते हैं।
जो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे स्पेशली वो कर रहे थे बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, चाहे वो आपका यूकेरियोटिक सेल की बात हो चाहे वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखेंगे सेल के सबसे आउटर कवरिंग है, जो भी सेल्स के जितने भी पार्ट्स हैं सब इसी के अंदर है। सेल ऑर्गेनेली आपने सुना भी होगा, जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा का सारा किसने कवर किया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। और मैंने क्या कहा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक प्रकार से कनेक्टिविटी करता है किससे, सेल के अंदर के इन्वायरमेंट का सेल के बाहर के इन्वायरमेंट से। मैंने अभी बताया, अभी हम इसमें बहुत डिस्कस करेंगे इसमें कि किसको सेल के अंदर आना है, किसको आने देना है, किसको सेल से बाहर की ओर भेजना है, क्योंकि ये क्या है, सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली, अभी हम बात करेंगे इसमें। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होगा, फैटी एसिड टेल्स भी होंगे, फॉस्फोलिपिड हेड वाला रीजन होगा, भी हम इसमें दिखाएंगे आपको, फॉस्फोलिपिड बायलेयर आपको दिखाई देगा इसमें, ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये क्लियर आई कि आपको दिखाई दे रही है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। यहीं से एंट्री होनी है सेल के अंदर, ये आपको देख भी रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर लाइव आप देख रहे हैं, ये पूरा आप जो कवरिंग आप देख रहे हैं बाहर की ओर जो लेयर है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे हम कह भी रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में हम बोल रहे हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल हो रहा है ना, एंड अलाउ ए यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर आप पैरामीशियम आप देख सकते हैं है ना, आप अमीबा में देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म टू मूव। अब ये क्या काम कर रहा है सेल मेम्ब्रेन, क्या काम कर रहा है, उसको मूवमेंट का काम कर रही है, इसमें आप देख भी रहे हैं, आप स्ट्रक्चर आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। होमियोस्टेसिस का भी काम करता है, तापमान आपको बताया भी था, इंटरनल मैंने अभी बताया था ना, इंटरनल जो टेम्परेचर है उसे नॉट उसका इफेक्टेड नहीं होने देगा बाहर के टेम्परेचर से है ना, तो लिखा भी इसमें बैलेंस इंटरनल कंडीशन ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम, और उनके बीच में क्या करेगा, एक साम्यावस्था बनाए रखेगा, मेंटेन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ये काम कर रहा है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ये आउटर कवरिंग है, जैसे हम बाह्य आवरण भी बोल सकते हैं सेल का है ना, और ये क्या कर रही है, डायरेक्टली कनेक्टिव टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये क्या है सेल के बाहर के इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ सेल, सेल के आंतरिक जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं साइटोप्लाज्म में है जो भरा हुआ उसमें लिक्विड, उस उनके मध्य में अर्धपारगम्य झिल्ली है ये, जिसे हम क्या बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ये क्या काम कर रही है, प्रोटेक्टिव बैरियर, एक प्रकार से सुरक्षा का काम भी करती है सेल के, सेल के अंदर आपको मैंने बताया था, अभी हमने स्ट्रक्चर भी देखा कि राइबोसोम है, जितने भी गॉल्गी एपरेटस है, आपके क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस है, जितने भी हमने स्ट्रक्चर अभी देखा उन सब का प्रोटेक्शन का काम ये क्या करता है, ये लिखा है ना आपको कि प्रोटेक्टिव बैरियर, एक प्रकार से रोकथाम का, के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनली है, वो इफेक्टेड नहीं हो पाए सेल के बाहरी वाले वातावरण से। अभी हम इस पर बहुत अच्छी स्लाइड है आगे आपको दिखाई देगी। दूसरा क्या काम है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट इन आउट ऑफ सेल, मैंने अभी आप यही तो बात कर रहे थे हमें, जिसे हम बोल रहे हैं सिलेक्टिवली परमेबियल, सेलेक्ट कर रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्ट कर रहा है किसको किसका ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर, या किसको सेल के अंदर से बाहर की ओर भेजना है, जैसे आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, तो अभी हम बात करेंगे इस पर। एलो सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड एंकरिंग साइट्स फॉर फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, या एक ये इसका स्ट्रक्चर है, या आपने बुक में भी देखा होगा, ये इनसाइड सेल्स हैं, ये हेड है, ये लेयर जिसे हम फॉस्फोबायोलिपिड्स भी हम इसे बोल सकते हैं, और इसमें जो है आप इसे और आगे देखेंगे कि क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये डबल लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है एक प्रकार का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो ये इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो बीच में जो लेयर है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और जिसे हम कुछ सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको मैंने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्गी बॉडी, जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सब इसके अंदर है,
और ये सेल के आउटर है, जो दूसरी सेल्स सकती है डायरेक्टली, और अदर जो इन्वायरमेंट होगा हम इस पर देखेंगे आगे। तो आप देखें फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स भी हैं इसमें, या भी हम जब इसमें पढ़ेंगे अभी सिग्नल ट्रांसलेशन, अब जब हम पढ़ेंगे सिग्नल वाला जो इसमें, तो वहां पर आएगा ग्लाइकोकैलेक्स है। ग्लाइकोकैलेक्स आपके ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होगा, है ना। तो ये अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। फॉस्फोलिपिड अभी बताया था, प्रोटीन ये आपका हेड, ये पोलर वाला रीजन। अब इससे पहले आप देखिए ये आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ राउंड शेप है, इसमें आपने देखा दो लेयर लगी हुई है इस टाइप की, बाइफ्लेक्सुएट है ना। तो इस पर ही हम बात कर रहे हैं, ये पोलर वाली रेंज होगी, नॉन पोलर रेंज होगी। और ठीक इसका उल्टा ये भी हेड वाला रीजन है, पोलर है, ये नॉन पोलर रेंज है। अभी क्यों हम पोलर नॉन पोलर की बात कर रहे हैं अभी बताएंगे आपको। ये केमिकल स्ट्रक्चर है, सिस एंड ट्रांसबाउंड्रीज हम बाद में बात करेंगे। जो आपका राउंड शेप आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता पोलर वाला है, और ये फिर आपका नॉन पोलर है। तो दूसरे भी आपके यहाँ से आप देखेंगे नॉन पोलर होगा, लास्ट में आपको राउंड वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई देता, जिसे हम फॉस्फोलिपिड्स बोल रहे हैं। फॉस्फो मैंने फॉस्फोरस से हमें, और दूसरे क्या है लिपिड्स, इन दोनों के मिलने से बन गया फॉस्फोलिपिड्स। इस पर लिखा भी है कंटेन्स टू फैटी एसिड चेन दैट आर नॉन पोलर, ये हेड वाला रीजन। अभी आप बात कर रहे थे राउंड लाइक स्ट्रक्चर, ये पोलर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। हेड वाला रीजन क्या है इसका, फॉस्फेट ग्रुप है, और ये आपका आपका ये लिपिड्स लिपिड्स वाला रेंज है, जिसे हम फैटी रेंज भी हम इसे बोल सकते हैं, है ना। अब इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक भी आप कंडीशन हम बोलेंगे इसमें। हाँ दूसरा को इसमें ध्यान रखना कि आपके पास काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल। व्हाट इज फ्लूइड मोसाइक मॉडल, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित है। फ्लूइड मींस हो गया एक प्रकार से नॉर्मली वे में हम बोले लिक्विड, किसका लिक्विड भाई। और इसमें हम देखेंगे फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं हम इसे, फ्लूइड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड्स है ना एंड प्रोटीन्स कैन मूव अराउंड। इसमें बता रहा है कि फॉस्फोलिपिड्स है और जो प्रोटीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं फ्रीली विद इन द लेयर, लेयर के अंदर लाइक इट्स ए लिक्विड। किस कब, जब वो लिक्विड के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम उसे बोल रहे हैं फ्लूइड। मोसाइक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैटर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हेन द मेम्ब्रेन इज व्यू फ्रॉम अबव, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं फ्लूइड मोसाइक मॉडल। तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफाइन किया व्हाट इज फ्लूइड व्हाट इज मोसाइक, है ना। मोसाइक में स्कैटर पैटर्न मिलेगा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, ये कब मिलेगा, द मेम्ब्रेन इज व्यू फ्रॉम द एबव, ये आपको दिख भी रही ऊपर मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे पोलर हेड्स आर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मैंने लवर है ना, जो पानी को एकदम जैसे आपको लिक्विड कहीं पे मिलेगा या वाटर आपको मिलेगा तो एकदम अटैच हो जाएगा, इसलिए हम उसे हाइड्रोफिलिक बोल रहे हैं। ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये हेड जैसे हम पोलर वाली बात करें, ठीक है। और जो आपको लाइन जैसे आपको दिख रही है ये नॉन पोलर रेंज है, ये आपका लिक्विड वाली रेंज है, इसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोफोबिक, ये वाटर से इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये इसे ये लिखा भी है नॉन पोलर टेल्स, ये नॉन पोलर टेल्स हैं, ये आपके हाइड्रोफोबिक हो गए। और जो राउंड वाला स्ट्रक्चर है उसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, मेक्स मेम्ब्रेन सेलेक्टिव इज व्हाट क्रॉस, अब ये क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं ये किसको अंदर जाना है किसको अंदर नहीं भेजना है। ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको डबल रेंज आपको दिखाई थी, है ना, पोलर हाइड्रोफोबिक वाला हाइड्रोफिलिक वाला हो गया, ये बीच की रेंज जो थी आपकी फैटी एसिड वाली थी, ये फिर से आपका पोलर रेंज हाइड्रोफिलिक वाला है, तो बीच वाला हाइड्रोफोबिक और जो ऊपर और नीचे वाली जो रेंज है ये हाइड्रोफिलिक हो गई। यही वाली जो आपको राउंड शेप आपको दिखाई दे रहा था पोलर रेंज है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर दिखा रहा है नहीं, रेंज राउंड वाला ये पोलर है ना। तो ये आपका पोलर हेड्स हो गया, और ये आपका ये आप ऐसे बोल सकते हाइड्रोफिलिक वाला ये है और ये हाइड्रोफोबिक वाला है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड टू लेयर फॉस्फोलिपिड्स कॉल्ड द लिपिड्स बाय लेयर, दो लेयर लगी हुई है इसमें फॉस्फोलिपिड्स की, है ना, तो इसलिए हम इसे बाय लेयर भी इसे हम बोल रहे हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स पास इजली, जो हाइड्रोफोबिक वाला है ये वाला रेंज
हाइड्रोफोबिक वाले, जिसमें हम लिपिड्स वाले जो आपको नॉन पोलर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आसानी से पास हो जा रहे हैं, लिखा भी है मॉलिक्यूल्स पास इजिली। और जो हाइड्रोफिलिक है, ये राउंड वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से मॉलिक्यूल्स आसानी से पास नहीं हो पाएंगे, इसको हम देखेंगे आगे कैसे। अब देखिए थोड़ा कुछ टर्म हमें समझनी पड़ेगी, सॉलिबिलिटी है ना, एक मिनट, आपको मैंने कहा भी था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, देख रहे हैं आप किसको अंदर आना है, कौन डिसाइड कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसको बाहर जा भेजना है, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्मॉल नॉन चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू इजली, आप इसमें ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, डिसोसिएशन कर्व आप बोहर इफेक्ट सब आप इसी के आधार पे है। आयंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज एमिनो एसिड डू नॉट मूव थ्रू द मेम्ब्रेन ऑन देयर ओन, ठीक है, ये आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, दे मस्ट यूज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इनके लिए क्या है ट्रांसपोर्ट, कुछ प्रोटीन्स हैं जिसके आधार पे ये क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें अभी हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली कंडीशन, इसमें हम बात कर रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझने से पहले मैं कुछ आपको कुछ टर्म है जो हम बार बार यूज करेंगे वो आपको समझनी पड़ेगी, जो इसमें लिखा है डिफ्यूजन। अब आपको पहले टर्म क्यों समझा रहा हूँ, तो आपको मैंने कहा था कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री हो रही है और किसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर एंट्री करनी है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, है ना। तो उनको समझने से पहले कुछ टर्म है जैसे ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन मीन्स रिक्वायर्ड नो एनर्जी एंड मूवमेंट किसका, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई टू लो, जहां पर हायर कंसेंट्रेशन होगा वो मूवमेंट करेगा किसकी ओर, लोअर कंसेंट्रेशन की ओर, ठीक है। जब इस टाइप का कंसेंट्रेशन आपको मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज ए पैसिव, अभी आपने आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक्टिव एंड पैसिव आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उसमें बता रहे हैं कि डिफ्यूजन क्या है, एक पैसिव है, पैसिव प्रोसेस है, विच मीन्स पैसिव जब भी बोलेंगे उसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें, विच मीन्स नो एनर्जी इज यूज टू मेक मॉलिक्यूल्स मूव, उसमें हमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की, इसमें हमें जो ये मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ की ओर हो रहा है, हाई टू लो की ओर। अब आपको यहाँ पर भी समझाया जा रहा है, आप देखेंगे कोई डाई कलर है, आप स्याही को भी देख सकते हैं, पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे उसका ये बॉन्ड, ये हायर कंसेंट्रेशन है, अभी क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा पूरे उसमें, जब तक इसमें एक इक्विलिब्रियम नहीं बना तो ये क्या होगा, आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रही है कंसेंट्रेशन, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फैल जा रहे हैं, ये डिफ्यूजन का है। इसमें भी आपको बताया, ये आपको जो बीच में आपको लेयर दिखाई दे रही है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेलेक्ट कर रहा है ना, ये सेलेक्ट कर रहा है किसको, किस मॉलिक्यूल्स को अंदर की ओर एंट्री देनी है, किस मॉलिक्यूल्स को बाहर क्यों निकालना, अभी हम बात करेंगे इस पे। तो आप देख रहे हैं अगर सेल के बाहर हायर कंसेंट्रेशन है, सेल के अंदर लोअर कंसेंट्रेशन है, तो मूवमेंट कहाँ होगी, हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर होगी सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। इसमें लिखा भी है सॉलिड मूव डाउन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लो। ऑस्मोसिस आपने सुना भी होगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस में आपको सॉरी ये जो ये डिफ्यूजन था उसमें आपको सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है अर्धपारगामी झिल्ली उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस में आप देख रहे हैं छिद्र, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, जी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है किसको भेजना है किसको नहीं, अब कैसे करके होगा सिलेक्ट, तो लिखा भी है इसमें डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ये भी क्या हो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर हो रहा है, मानो यहाँ हाई कंसेंट्रेशन था तो ये क्या है इसमें पोर्स लगे हैं, ये यहाँ से पास होकर के यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। और ये कंडीशन कब तक चलती रहेगी, जब तक उनका एक इक्विलिब्रियम एक साम्य स्थिति ना हो जाए। अब देखिए इसका क्या कंडीशन है, आपने अब ये सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम क्या करें सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ टर्म आएंगे, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आप देखिए ये सेल है, ये हमारी सेल है और जो ये बाउंड्री है इसे मान लीजिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात आई समझ में, और ये अंदर है साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में हमने देखा कि इस सेल में 10% साल्ट है एनएसीएल और 90% आपका क्या है वाटर है, इन दोनों का कम्बिनेशन हम बोल रहे हैं इस साइटोप्लाज्म में, क्लियर हो गया।
और जो इसका बाहर का इन्वायरमेंट है, इस बाउंड्री के बाहर का इन्वायरमेंट, वहां आप देख रहे हैं कि वहां भी जो साल्ट का कंपोजिशन है वो 10% है और 90% वाटर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इक्वल कंसंट्रेशन बिटवीन सेल एंड देयर इन्वायरमेंट, एक जैसा कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, ये बाहर की ओर भी उस सेम कंसंट्रेशन है वाटर एंड साल्ट का, और सेल के अंदर भी सेम कंसंट्रेशन है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, और इसमें क्या होगी, कोई नेट, नो नेट मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्यों, मूवमेंट कब होगी, हायर से लो की ओर होगी ना मूवमेंट, ठीक है। यहाँ मूवमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका अंदर का कंसंट्रेशन भी इक्वल है और बाहर का कंसंट्रेशन भी इक्वल है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये अभी हम जब पढ़ेंगे सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये लिखा भी है इसमें मैंने, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए हाइपो, हाइपो मैंने कम, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देख रहे हैं आप सेल के अंदर, देखिए आप सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो आपका साल्ट का कंपोजिशन है वो हायर है, ठीक है, लिखा है 20% NaCl, और जो सेल के बाहर का जो कंपोजिशन आप देख रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वहां आप देख रहे हैं कि साल्ट का कंपोजिशन क्या है, कम है, और वाटर का कंपोजिशन हायर है। यहाँ आप देख रहे हैं इसका उल्टा, यहाँ साल्ट का कंपोजिशन अधिक है और वाटर का कंपोजिशन क्या है, कम है। तो इसमें क्या हो गया, मूवमेंट कहाँ से कहाँ की ओर होगा, एक मिनट, हाइप हो गया, एक मिनट, इसमें आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ की ओर होगा मूवमेंट, मैंने आपको बताया था, यहाँ देख रहे हैं आप हायर टू लो, हायर किसका है, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर की ओर आएंगे, ठीक है, और जो यहाँ साल्ट का कंपोजिशन है बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, क्यों, ताकि दोनों की जो आपकी अवस्था है क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। देखें यहाँ 80% आप वाटर देख रहे हैं या 90% वाटर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें जो मूवमेंट है वो आपके अंदर की ओर होगी, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मीन्स कम, हाइपरटोनिक सॉरी, हाइपर मैंने अधिक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सेल के अंदर आप देख रहे हैं कंपोजिशन कम है साल्ट का और यहाँ क्या है, ज्यादा है ना, तो इसमें जो मूवमेंट होगी वो अंदर से बाहर की ओर होगी, जो अंदर का जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, जो उसमें साल्ट कंपोजिशन है वो बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। अब ये देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी की सेल्स को अगर हम क्या करते हैं, साल्ट से भरे हुए जो लिक्विड है उसमें डालें, सॉल्यूशन में डालें, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएंगी आरबीसी, क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, है ना। तो इसी के लिए आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हमने बताया, एक सेल की बात अभी मैं कर रहा था, तो ये आपको लिखा है इसमें हमेशा हायर टू लो, हायर टू लो, ये आप इस रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ बाहर का जो साल्ट का कंपोजिशन वो अंदर की ओर आ रहा है और अंदर का जो लिक्विड वो बाहर की ओर जा रहा है, तो जिसके कारण क्या हो गया, आपकी जो सेल्स थी वो पिचक गई है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, ये आइसोटोनिक आप देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अंदर का कंपोजिशन आपको बताया था ना, जो आरबीसी की सेल का जो साल्ट का कंपोजिशन होगा और वाटर का कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए ये आइसोटोनिक हो गया, इसलिए वो सेल्स क्या हुई, पिचकी नहीं है। आप देखेंगे हाइपोटोनिक, यहाँ देख रहे हैं कि बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर के कंसंट्रेशन से क्या होगा, कम होगा ना, तो इसलिए क्या है, हाइपोटोनिक, ये क्या फूलने की कोशिश कर रहा है। और ये हाइपरटोनिक, जो बाहर का कंपोजिशन है साल्ट का वो हायर था, अंदर का कम था, इसलिए जो मूवमेंट हो रही थी वो क्या हो गई, बाहर और अंदर के जो था इक्विलिब्रियम होने के लिए, इस कारण वो सेल्स क्या हो गई है, टूट गई है। ये आप कई बार आपको पूछा भी जाता है कि जो ये व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो मैंने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, एनर्जी की आवश्यकता है, लिखा देख भी रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो बाहर मॉलिक्यूल्स का कोई सभी है, अभी हम बात करेंगे, ये क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, तो इसको अंदर की ओर मूवमेंट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स आपको बता रहे थे, तो अंदर की ओर आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको दो टाइप बताया, एक सिंपल डिफ्यूजन बताया, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताया। इसमें क्या है, मेटेरियल्स मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द फॉस्फोलिपिड्स बाय लेयर, ये सिंपल डिफ्यूजन है, सीधा सीधी सीधा, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, द पैसेज ऑफ मेटेरियल्स is added both by concentration gradient and by transport protein, ठीक है। और active transport में हमें energy की कोई requirement, active transport में energy की requirement होगी।
ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है सिंपल डिफ्यूजन, इसमें लिखा भी है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको पैसिव में दो टाइप के डिफ्यूजन बताया, फैसिलिटेटेड एंड सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन आपको बताया नो रिक्वायर्ड एनर्जी, मोमेंट्स हमेशा क्या होगा हाई टू लो की ओर होगा। इसमें आप ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, या आप इसे वहां भी रेस्पिरेशन में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा, तो सिंपल डिफ्यूजन के कारण होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था रिकॉग्निशन कम्युनिकेशन का, सिग्नल ट्रांसडक्शन आप पढ़े होंगे इसे, इसमें अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको कहा था रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, और ये हमेशा कहाँ की ओर होगा, आप देख रहे हैं मूवमेंट मेटल फ्रॉम लो टू हाई, ये हमेशा कम से ज्यादा की ओर होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट होगा। इसमें लिखा भी है मॉलिक्यूल्स अगेन मूव थ्रू ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बट नो एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू मूव देम अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल आपको सोडियम पोटेशियम पंप, आपने पढ़ा भी होगा ये कि सोडियम व्हाट इज सोडियम पोटेशियम पंप, और इसमें हमने क्या कहा था ये हमेशा लो से हायर की ओर होगा। इसमें लिखा भी है पंपिंग सोडियम आयन्स आउट एंड पोटेशियम इज अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए हम सोडियम पोटेशियम पंप इसे हम बोल रहे हैं, ये हमेशा लो टू हायर की ओर होगा। ये देख रहे हैं आप ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें जो ये थ्री है ये सोडियम है, और जो अंदर की ओर आ रहा है ये आपका पोटेशियम है। ये लिखा भी है थ्री एन ए पॉजिटिव चार्ज, ये आपने पढ़ा भी होगा क्यों होगा पॉजिटिव चार्ज, पंप्ड इन फॉर एवरी टू पोटेशियम आयन पंप्ड आउट क्रिएट ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आप देख भी रहे हैं इसमें कि सोडियम जो आयन्स हैं वो बाहर की ओर मूवमेंट हो रहे हैं, और जो पोटेशियम जो पंप है वो क्या हो रहा है अंदर की ओर एंट्री कर रहा है। ये एक्जोसाइटोसिस है, एक्जो मीन्स बाहर की ओर, सेल्स जो है अंदर से क्या कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर क्या कर रहा है प्रोटीन को फेंक दे रहा है, तो ये आप या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के माध्यम से होगा। एक्जो मीन्स बाहर की ओर, साइटोसिस मैंने सेल के माध्यम से जो सेल के अंदर का जो मेटेरियल था उसे हम मूव करा रहे हैं बाहर की ओर। लिखा भी इसमें मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड आउट ऑफ द सेल्स बाय वेसिकल्स दैट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आता भी है। दिस इज हाउ मेनी हॉर्मोन्स, ये आपका हॉर्मोन कंसेंट्रेशन में भी आएगा जब आप इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, आर सीक्रेटेड एंड हाउ नर्व सेल कम्युनिकेटेड विद वन एनदर, ये एक प्रकार सिग्नल ट्रांसडक्शन में हम एक्जोसाइटोसिस की कंडीशन पढ़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था ये क्या कर रहा है, अभी आपको बताया भी था ये बाहर की ओर क्या कर दे रहा है फेंक दे रहा है उस सारे मॉलिक्यूल्स को। लार्ज मॉलिक्यूल्स मूव मेटल्स इनटू द सेल बाय वन और थ्री फॉर्म्स इंडोसाइटोसिस। इंडो अब क्या है अंदर की ओर, अभी तक आपने देखा मॉलिक्यूल्स को बाहर की ओर ले जा रहा था, अब क्या है सिलेक्ट करके अंदर की ओर मूवमेंट करा रहा है। यहाँ आप देख भी रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं उसको फिर बाइंड अप करके आप राउंड आउट स्ट्रक्चर और इस सेल के अंदर आ गया स्ट्रक्चर। पिनोसाइटोसिस अभी हम देखेंगे, पिनोसाइटोसिस जो आपको मिलेगा इसमें लिक्विड टाइप का मेटेरियल है, इसमें मोस्ट कॉमन फ्रॉम इंडोसाइटोसिस टेक्स डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स एज ए वेसिकल्स। पिनोसाइटोसिस को आपने बताया था सेल फ्रॉम एन इन्वेजिनेशन मेटेरियल्स डिजॉल्व इन वाटर टू बी ब्रॉथ इनटू सेल कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग टर्म भी आती है ये पिनोसाइटोसिस के माध्यम से ही होगा। आप इसमें स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक मिनट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है इसको सिलेक्ट करके अंदर की ओर इनगल्फ कर रही है पूरा की पूरा, तो इसे सेल ड्रिंकिंग भी हम इसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस का है। सम इंटीग्रल प्रोटीन्स हैव रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस टू रिकॉग्नाइज एंड टेक इन हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। इंडोसाइटिस एंड फैगोसाइटिस, फैगो मीन्स खा जाना है ना, तो जो सेल्स क्या करे सेल ईटिंग लिखा भी है यहाँ पर कॉल्ड सेल ईटिंग, सेल क्या कर रही है उसको इनगल्फ कर दे रही है खा दे रही है। आपने देखा जो फॉरेन पार्टिकल्स बाय द वे एंट्री कर भी चुका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो हमारे जो सेल्स हैं उसे क्या करती हैं घेर लेती हैं, आपने इसे WBC के थ्रू भी आप देख सकते हैं, तो क्या करती थी उसे फॉरेन पार्टिकल्स को राउंड घेर करके उसे डिजॉल्व कर लेती है या उसे खा जाते हैं, उसे हम सेल इनगल्फ। एक स्ट्रक्चर है आपका फेगोसाइटोसिस का, फेगो मीन्स खा जाना, साइटोसिस मीन्स सेल को, है ना, तो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर देती है जो प्लाज्मा में एंट्री करके जो फॉरेन पार्टिकल जो सेल को हार्म भी पहुंचा सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर होगा एंटीबॉडी जो भी होगा उसमें वो क्या कर देती है उसको घेर कर
मारेंगे और खा जाएंगे, तो उसे हम फैगोसाइटिसिस बोलते हैं। इसमें आप देख भी रहे हैं फैगोसाइटिसिस कैप्चर ऑफ ये यीस्ट सेल, है ना, हम इस इम्यून सिस्टम पे ही बात कर रहे हैं कोविड-19 के उसमें, तो ये सब इंगल्फिशन का है, ये फैगोसाइटिसिस की बात है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी कर दी, अंदर की एंट्री कर भी दी, लेकिन अंदर आते ही क्या है कि जो हमारे अंदर के जो सेल्स हैं वो उसे क्या कर दिए, खत्म कर दे रही है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो सॉरी ये एक जो साइटिसिस का है कि सेल के अंदर का जो जो एक्स्ट्रा जो हमें जरूरत नहीं है, सेल को जरूरत नहीं लग सेल को लगता है कि उसे आवश्यक नहीं है, तो वो क्या कर दे रही है, उसको सेल से बाहर की ओर फेंक दे रही है। ठीक, आपको बताया था एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आपका। अब आते हैं बात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, हम इसी पे बात कर रहे थे कि व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको शुरू में भी बताया था, उस पर हमने पढ़ा भी था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपके स्मूथ भी हो सकती है, आपके रफ भी हो सकते हैं, बात करेंगे। तो व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो मींस इनसाइड द सेल, रेटिकुलम मींस नेटवर्क, सेल के अंदर का जो नेटवर्क है उसको हम क्या करें, एक जो नेटवर्क लाइक एक जाल जैसा जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, उसे हम बोल रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ आप देख भी रहे हैं पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड अप टू हाफ ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल ट्यूबुल्स एंड सैक, जिसमें आप सिस्टर ने भी आपने सुना होगा, कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, टू टाइप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर हमने बात की थी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर ये राइबोसोम है, और जो ये नेटवर्क टाइप आपको दिख रहा है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या काम कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस आपको बताया भी था इसमें, है ना। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आपने देखा किसके सिंथेसिस हो रही थी, फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है, लिखा भी है इसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का है ना, इस पर हम बात बताया भी था आपको, ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर है आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख भी रहे हैं ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है इसका बताया भी था आपको, स्मूथ मैंने अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, इसमें क्या है आपको राइबोसोम नहीं मिलेंगे, है ना, लेकिन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। फंक्शन क्या है इनका, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड से हमने बताया था, फॉस्फोलिपिड का निर्माण करना, संश्लेषण करना, कोलेस्ट्रॉल सेरामाइड्स ये सब के सब इसमें बनेगा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आप हार्मोन के रूप में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, उसका भी जो सिंथेसिस होगा सेल के अंदर वो आपका क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। दिस नेक्स्ट स्टोरेज एंड रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन, ये स्टोर भी करी है और रेगुलेट भी करती है कैल्शियम आयन का, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन साइटिन P4 पी फॉस्फेट फॉस्फेट 450 का भी हम क्या करते ये क्या करती है डिटॉक्सिफिकेशन, एक डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स हो गया कि जो टॉक्सिसिटी है उसको हटा देना, है ना, जो जहरीलापन है उसको हटा देना, ये सब अभी आएगा सेल्स के। ये टैम है, और आपने पढ़ा भी होगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये कैसे इसमें ल्यूमिन आपको दिख रहा है, ये साइटोसोल आपको दिख रही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड द सेल ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन सेल इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अगर उसमें क्या है प्रेजेंस है राइबोसोम की, तो आपको क्या बताया वो हो गया आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम अब्सेंट है तो हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। आप इसमें स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, ये एमआर ये आपने अभी पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा प्रोटीन सिंथेसिस, और ये सेंट्रल डोग्मा मैं आपको अभी बता भी रही थी इससे पहले वाले क्लास, इस सारे के सारा प्रोसेस वही है, किस प्रकार से जो ये आपके जो एमिनो एसिड्स हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं, ये आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये सॉल्ट यूनिट है जो स्मॉल यूनिट है, ये पॉलीराइबोसोम मैंने आपको बताया था, राइबोसोम अगर अकेला है सेल के अंदर कहीं, ठीक है, तो सब सिंपल राइबोसोम बोले, लेकिन अगर वो ग्रुप में है तो पॉलीराइबोसोम हम उसे बोलते हैं।
ये आप अभी पढ़ चुके थे, राइबोसोम में मैसेंजर, ये मेन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेज का कन्वे होना, या आप देखेंगे सेल के अंदर का जो जब डुप्लीकेट डीएनए डुप्लीकेट आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है कुछ जो सेगमेंट छूट जाते हैं, जिस हम ओकाजिया के सेगमेंट या कुछ और भी जो ये जेनेटिक मटेरियल होगा उसको एमआरएनए बाइंड करके क्या होता है सेल के न्यूक्लियस के बाहर ले आएगा, जहां आप देखेंगे कि क्या होगा आपका ये ट्रांसफर आरएनए वहां पहले से होगा, वो ट्रांसफर आरएनए उस मैसेंजर आरएनए से मैसेज को लेकर के राइबोसोम तक ले जाएगा और ये पूरी एक प्रोसेस चलती रहेगी जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस हम बोल रहे हैं। इस पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी क्लास से हो चुकी है, इसमें आपने टीआर आपने पढ़ा भी होगा जो राइबो ये आरएनए है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, सारे के सारे आप पढ़ चुके हैं। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, लार्ज यूनिट या और ये स्मॉल यूनिट है ना, तो इसमें आपको ये दिखा भी रहा है कि ये स्मॉल यूनिट है, 30S का है, सब यूनिट हम इसे बोल रहे हैं, A50 का, इनको जोड़ करके आप जब बनाते हैं तो 80S, ये प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होगा, ये स्ट्रक्चर है। ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम आप स्ट्रक्चर पढ़ते भी होंगे कि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होगा 70S का होगा, उसमें आप देखेंगे कि जो लार्ज यूनिट होगा वो आपका 50S का होगा, जो स्मॉल सब यूनिट होगा 30S का होगा, इनका जो जो ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं तो 70S आपका बनाएंगे, असेंबल राइबोसोम जो बनेगा 70S का बनेगा। और जो यूकैरियोटिक सेल्स आप देखेंगे, राइबोसोम तो दोनों जगह है ना, लेकिन उनके यूनिटों में अंतर है, और जो प्रोकैरियोटिक ये सॉरी यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो लार्ज है 60S यूनिट होगा और जो स्मॉल है वो 40S होगा, और इनका जो कंप्राइज होगा वो आपका मिक्सअप करके एसएमएल जो होगा वो 80S का यूनिट होगा। यह हमने अभी पढ़ा भी था आपको, जब प्रोटीन सिंथेसिस पे बात हो रही थी, सेंट्रल डोगमा पे बात हो रही थी, ये स्ट्रक्चर है टीआरएनए का है ना, तो ये टिल्डा वाला रीजन आप एमिनो एसिड है, ये आपका राइबोसोम वाला है, ये एंटी कोडोन, अभी आपको बताया भी रही थी मैम पिछले वाले जो इससे पहले वाली क्लास लगी थी उसमें आपने जेनेटिक कोड में पढ़ा था कोडोन और एंटी कोडोन है ना, कोडोन को पढ़ना जो उनको पढ़ रहे हैं डिटेक्ट कर रहे हैं वो उसके एंटी कोडोन है, तो ये सारा का सारा ट्रांसफर आरएनए, ये स्ट्रक्चर है डिफरेंट टाइप के। ये इनिशिएशन इलॉन्गिनेशन ये आप प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे, मैं केवल आज जो है आपको सेल स्ट्रक्चर के और उसके टाइप्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही बात करें, इलॉन्गिनेशन सब प्रोटीन सिंथेसिस में आपको मिलेगा ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ई साइट है, ये अमीनो साइट्स हैं, ये आपके जो अमीनो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है इनको डिटेक्ट कर रहा है, ये कोड लगे हुए हैं इनको पढ़ने पर लगा हुआ है, तो जैसे जैसे इनको डिकोड किया जाता है ये पीछे एक लाइन बनी रहती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, ये राइबोसोम का काम है सारा का सारा। ये देख रहे हैं आप एमआरएनए की मैसेज लेके आए ना, आपको बताया था कि जब डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है तो उसमें कुछ पार्ट छू जा रहा है, जिसमें आप ओकाजिया की सेगमेंट है, तो जो उसके जो पार्ट है जो मैसेज है उसकी कॉपी हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, वो कॉपी जो है मैसेंजर आरएनए के थ्रू कहां जा रही है बाहर न्यूक्लियस से बाहर, तो न्यूक्लियस के बाहर कौन है आपका टीआरएनए, उसने क्या करना है उस मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए जो भी मैसेज करके लेके आए, मैसेंजर आरएनए कौन है ये कॉपी है डीएनए की, जो जेनेटिक मटेरियल था उसकी कॉपी, उसमें जो भी डीएनए में जितने भी मटेरियल जितने भी कोडिंग थी वो सब के सब कोडिंग करके ये कॉपी करके ले आया बाहर है ना, अब इसको डिकोड कर रहा है कौन आपका ये राइबोसोमल आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए उसको उठा करके यहाँ ले आएगा और ये एक प्रकार से डिकोड जितनी लंबी चेन होती रहेगी इसका मतलब ये डिकोड होता गया है, ये एमिनो एसिड है ना, ये आपको स्ट्रक्चर आपको अभी मैम बता रही थी इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं बाद में, मैं इसमें आपको बता दूंगा। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको वही शो करा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये आपको अभी जेनेटिक कोड में मैम ने बताया भी था है ना, तो इस पर हम बात नहीं करें ज्यादा, ये सब आप अभी पढ़ चुके हैं, टर्मिनेशन इलॉन्गेशन टर्मिनी ये सारा के सारा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू है, इसलिए आपको सारे के सारे कंडीशन आपको इससे पहले की क्लास में ये वाली हो चुकी है, ये आपको खाली मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से डिकोड किया जाता है ना राइबोसोम के द्वारा, सारे के सारा आपको हो चुका है, इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे की ओर चलता हूँ फिर। सारे कॉम्प्लेक्स हैं इसके, ये ट्रांसफर
ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स एमएससी की लेवल का, इसलिए मैं इस पर अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि बीएससी की क्लास है, सारा स्ट्रक्चर है इसी में। ये ट्रांसलोकेशन वाले जितने भी कंडीशन है ये सब आपके प्रोटीन सिंथेसिस में है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है आपका, राइबोसोम में, है ना। तो राइबोसोम के थ्रू ही सारा काम चल रहा है, इसलिए ये सारी की सारी स्लाइड में स्पीड में आगे ले जा रहा हूँ, जो आपके मतलब का होगा इसलिए मैं उस पर बात करूंगा, है ना। सर एंटीबायोटिक अभी अभी हाँ अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया था पावर हाउस है ना, इसमें डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई दे रहा है, डबल लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑक्सीसोम है जिसे हम क्रिस्टी बोल रहे हैं, लिक्विड इसका मैट्रिक्स है। अभी आपको मैंने बताया था मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस चल रही, कार्बोहाइड्रेट के टूटने की, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये मैट्रिक्स है ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को का मेटाबॉलिज्म वाली कंडीशन चलेगी, जिसे आपने पढ़ा होगा क्रैब्स साइकिल, आपने सुना भी होगा, है ना। तो ये सारी की सारी क्रैब्स साइकिल मैट्रिक्स में चलेगी, आपको हम फिर से दिखा रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ये राइबोसोम्स भी है इसमें, डीएनए भी, मैम ने बताया भी था कि कुछ डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स इसका लिक्विड वाला मटेरियल है, ये जनरल स्ट्रक्चर है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने कहा था पावर हाउस है, तो पावर हाउस है मतलब यहाँ एनर्जी क्रिएशन हो रही होगी, एनर्जी कहाँ से आ रही होगी, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट आया है मेटेरियल, जो भी बायो मॉलिक्यूल्स उसमें है जिनका मेटाबोलाइज हो रहा है सेल के माध्यम से, है ना। तो वो क्या कर रही है, एटीपी का प्रोडक्शन कर रही है, वो एटीपी प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी वाले पार्ट में हो रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स वाले पार्ट में है। द ऑर्गेनेली दैट रिलीज एनर्जी इन द सेल, मैंने बताया भी था आपको, ये क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑर्गेनेली सेल के अंदर है और ये क्या करता है, रिलीज कर रहा है एनर्जी को, रिलीज करता है, और इसी कारण हम इसे पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी यूजिंग एनर्जी स्टोर इन फूड मॉलिक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसर इन सेल्स, ये आपका प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादक केंद्र है सेल का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने देखा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, देयर इज सिंगल आउटर मेम्ब्रेन एंड फोल्डेड, जो फोल्ड वाला स्ट्रक्चर वो उसका इनर मेम्ब्रेन आउटर स्ट्रक्चर था, सैक विद टू इनर कंपार्टमेंट विद आर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा ये आप देखेंगे जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री की, जब भी आप क्लास पढ़ेंगे तो वहां पर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, वहां पर आप ग्लाइकोलिसिस आप सुनते हैं, क्रैब्स साइकिल आप सुनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप सुनते हैं, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा मैट्रिक्स और क्रिस्टी वाले पार्ट में, ठीक है। द फर्स्ट कंपार्टमेंट इज बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, द आउटर कंपार्टमेंट इन इनसाइड एंड इनर मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे आपको जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पर आपको बात, वहां पर आपको इसकी डीपली आपको स्टडी कराई जाएगी। द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 50% फॉस्फोलिपिड्स बाय वेट एंड कंटेन ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सच डाइवर्स एक्टिविटीज एज इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, अभी बात कर रहे थे हम इसमें, आपके चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात हो, लिपिड्स की बात हो, जिसकी भी बात, जो भी बायोमोलिक्यूल्स है सबका मेटाबोलाइज तो हो नहीं है ताकि उससे एनर्जी निकलेगी, ये सारे के सारे आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गति होगा, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन्स विद थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन, दोज दैट कैरी आउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन, रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में क्या होता है, मेटाबोलाइज, हम ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता है हमें सांस लेने में, हम ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता है कि मेटाबोलाइज हो जाए, जो हम फूड ले रहे हैं उसका क्या हो जाए, वो डिजोल्व हो जाए, और बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उसको तोड़ दे रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है ना, कैटाबॉलिज्म के हिसाब से भी या एनाबॉलिज्म, वो उसका नेचर है, वो बाद में आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाली कंडीशन में या बायोकेमिस्ट्री क्लास में। और इनके बायोमोलिक्यूल्स के जो टूटने से क्या बन रहा है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, कहाँ, मैट्रिक्स में, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट रेगुलेट द पैसेज ऑफ मेटाबोलाइज दैट इनटू एंड आउट ऑफ द मैट्रिक्स,
फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, कई बार सिंपल शॉर्ट नोट्स आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन, इसका मुख्य काम क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक सेल। दे यूज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ए हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स नॉन एज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे क्वाइंस ऑफ एनर्जी है ना, ऊर्जा का सिक्का भी हम इसे बोलते हैं। इसमें फॉस्फेट जैसे जैसे टूटेगा आपको एनर्जी मिलती रहेगी। फॉस्फेट इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी आज आप पढ़ेंगे आगे की ओर, तो एरोबिक मैंने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है इसलिए हम उसे हम बोल रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन आपको हो रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन द माइटोकॉन्ड्रिया हैज बीन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। यही तो हम बात कर रहे हैं, पावर हाउस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी अबेंडेंट इन सेल, ये आपके बहुत अधिक मात्रा में भी मिलेगी, कम भी मिल सकती है, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। वो सेल के नेचर पे है कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए। मसल्स है इसका यूज़, कुछ इसके यूनिक वर्क भी है माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी यूनिक इन सेवरल रिगार्ड्स, हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए। अभी आपने मैम भी बता रही थी इससे पहले क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको जो है डीएनए मिलने हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर, क्योंकि जो डीएनए है वो घुमावदार है, गोलाकार है ना। हैव देयर ओन राइबोसोम, और उसमें क्या होगा, माइट अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा भी था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी थे। द डीएनए इज द सेल न्यूक्लियस, डज नॉट कोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपने देखा अभी पढ़ा भी होगा। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया इन योअर बॉडी केम फ्रॉम योअर मदर, ये सारे के सारे आप पढ़े पढ़े भी होंगे ये, क्योंकि क्या है आपका जो डीएनए है, कौन सा डीएनए, जो सर्कुलर डीएनए है, ये सारा का सारा कहाँ से मिल रहा है आपको, माता माता की जो मदर सेल से, वहां से आपको मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट पार्ट ऑफ द जेनेटिक कोड, ठीक है। अभी आप डीएनए की बात कर रहे थे तो डीएनए तो इसमें भी है, लेकिन ये जेनेटिक कोड से इसका कोई मतलब नहीं है। इन द न्यूक्लियस ऑफ योर सेल, जो हमारी सेल्स हैं उसके न्यूक्लियस में इसका कोई मतलब नहीं है, अभी तक जो स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही। फादर्स ओनली गिव्स जीन टू देयर चिल्ड्रन, और फादर्स के ही जो जीन है वो उसके चिल्ड्रन में अधिकतर जो मिलते हैं, या आप पढ़ेंगे आगे जब जेनेटिक वाली क्लासें आगे चलेंगी, कैसे करके ये जीन है जो फादर के ही जीन जो है आगे उसके चिल्ड्रन में मिलेंगे। मदर्स गिव्स जीन्स एंड साइटोप्लाज्म टू देयर चिल्ड्रन इन देयर एक्सेल से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान में रखना है। पर अभी जो क्लासेज है वो बीएससी लेवल पे है, इसलिए इसे फिलहाल आप नोटिस कीजिए। ये सारा का सारा एक्सप्लेन आप जब एमएससी लेवल पे जाओगे, वहां जब आप सेल बायोलॉजी काफी अधिक उसमें पढ़ोगे, तो वहां पर आपको ये डिस्कशन इसका पूरा होगा। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर इन द साइटोप्लाज्म एंड दे प्रोड्यूस देमसेल्फ, दे ओनली आर इनहेरिटेड फ्रॉम मदर्स। जेनेटिक्स हैव यूज दिस क्रूशियस फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू स्टडी मेटल फैमिली लाइंस एंड रेट्स ऑफ इवोल्यूशन। ऑल दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मेटल्स इंटू सेलुलर ऑर्गेन सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी मेटाबॉलिक टास्क सच एज एपोपोटिस प्रोग्राम सेल डेथ। ये आप एपोपोटिस आप सेल डेथ की कंडीशन आप पढ़ेंगे आगे, आप केवल सुन लीजिए इसे, फर्स्ट ईयर वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो केवल आप दिमाग में रखिए, जब आप एमएससी लेवल पे जाएंगे तो इन सब पे आपको एक्सप्लेन मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। ग्लूटामेट मेडिएटेड एक्स तो सिक न्यूरोनल इंजरी, काफी देर बोलने से जो है वो हो रहा है, सेलर प्रोलिफिकेशन फिरेशन सॉरी रेगुलेशन ऑफ द सेलर रिडॉक्स स्टेट, हैमी सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस, हीट प्रोडक्शन, और ये सब माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन आर परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रियल इन लीवर सेल्स कंटेन एंजाइम दैट अलाउ देम टू डिटॉक्सिफाई, ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे इसे, जब आप यूरिया प्रोडक्शन आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको मिलेगा ये, कि
डिटॉक्सिफिकेशन आपका अमोनिया का इसे क्या है आप पढ़ेंगे, जब अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है वो हमारे लिए क्या है टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या करता है लीवर उसे तुरंत कन्वर्ट कर देगा अमोनिया को यूरिया में वाटर के साथ मिलकर के। आप ऑर्निथिन साइकिल आप जब पढ़ेंगे इसमें वहां पर सब इसका सब आएगा। थैंक यू।